आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 1.3। इसमें दिया है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के मध्य तीन प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 3 और 4। अब क्या करेंगे, अब होता है फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्याएं, ये क्या होता है, ये होता है निकालने का सूत्र होता है। दोनों को जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, दो से भाग दे देते हैं। अब क्या दिया हुआ है, 3 और 4 दिया है, तो क्या करेंगे, 3 और 4 को क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और दो से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे हम। अब ये देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है 3 और ये दिया है 4, तो इसके बीच प्रमेय संख्या यहाँ पर क्या आएगी, 7/2 आएगा। तो 3 और 4 के मध्य एक प्रमेय संख्या है, क्या मिल गया, 7/2 मिल गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, 3 और 7/2 के मध्य क्या निकालेंगे हम, प्रमेय संख्या निकालेंगे हम, तो हो जाएगा 3/1 लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, 7/2 प्लस क्या हो जाएगा, 1/2, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आएगा, 2/1 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2 3 6। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, गुणा करेंगे 7 का 7 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 1/2। अब दोनों को जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 और 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा, 13/4 आ जाएगा। अब देखिए, इसको भी हम दिखा सकते हैं, हम इसे लिखा हुआ है 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या क्या आई थी, 7/2 आया था। अब 3 लिए हैं और क्या लिए हैं, 7/2 लिए हैं, तो इसके मध्य परिमेय संख्या क्या आया है, 13/4 आया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम लेंगे हम किसके किसके बीच, 7/2 और 4 के मध्य परिमेय संख्याएं लेंगे हम, तो अब यहाँ लिख लेंगे पुनः 7/2 और 4 का माध्य क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हम, क्यों क्या होता है, फार्मूला होता है a+b 1/2, तो हो जाएगा a+b 1/2, अब क्या हो जाएगा, 1/2 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर वही करेंगे, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, गुणा करेंगे 7 का तो 7 हो जाएगा, अब इसको भाग देंगे 2 बार जाएगा, गुणा करेंगे 4 दूना 8, 1/2 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेंगे हम तो 15 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम दिखा सकते हैं, हम 3 और 4 के मध्य 7/2 13/4। अब क्या क्या संख्या लिए थे हम, 7/2 और 4 लिए थे हम, तो इसके मध्य प्रमेय संख्या क्या आया, 15/4 आया। तो ये पहली प्रमेय संख्या हो जाएंगी, दूसरी हो जाएगी और तीसरी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यही तीन प्रमेय संख्याएं निकालने का क्या होता है, नियम होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके इसके बीच निकालेंगे हम, फिर इसके इसके बीच, देखिए इसके इसके बीच निकालें हम, कितना आया, 13/4 आया। फिर क्या किए, इसके इसके बीच निकालें, देखिए इसके इसके बीच निकालें, तो कितना आया, 15/4 आया। तो क्या हो जाएंगी, यही तीन प्रमेय संख्याएँ हो जाएंगी।